लेट हो गए लेट हो गए भैया आप जी हाँ, आज फिर से 15 साल के बाद दयावंती ने मुझ पर फिर से बंदूक तानी है, मुझे धमकाने की कोशिश की है, मुझे मेरी जान लेने की धमकी दी है मुझे, और पर इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूँगी। जैसे क्या सोच क्या रही है आदमी के बदला किस तरह लेने वाली है दयावंती? जो भी दयावंती ने मेरे साथ किया है उसका बदला तो अवनी ज़रूर लेगी, बट आज अवनी थोड़ी सी कमज़ोर पड़ गई थी, थोड़ी डर रही थी, बिकॉज़ कहीं ना कहीं जो दयावंती ने किया है उसका खौफ अभी भी है अवनी के अंदर, बट नेक्स्ट टाइम वो और प्रिपेयर होकर उसके सामने जाएगी। जैसे नील शांत करते हुए नजर आए, हाँ बस मैं इसीलिए एंड मोमेंट पर आ जाता हूँ कि अपने भावनाओं में बहन आ जाए, एंड आई जस्ट ट्राई टू कंट्रोल हर इमोशंस, क्योंकि अगर ये अपने इमोशंस लूज़ करेंगी तो फिर जो हमारा प्लान है, जो हमारा मोटिव है दयावंती को जेल के पीछे छोड़ने का, वो ख़त्म हो जाएगा। सो यहीं पे अल्टीमेटली मैं आके इसे कंट्रोल करता हूँ, एंड ये बाद में मान भी जाती हैं कि चलो ठीक है, हमारा अपना प्लान हम बेकार नहीं कर सकते। जी हाँ, आज मौसम ऐसा है इसलिए गर्मी नहीं है तो सबका दिमाग ठंडा है, शांत है, वरना गर्म हो चुका होता है ना अभी तक तो आउटडोर में सबका गर्म हो चुका होता, सब चिल्ला रहे होते इधर उधर, बट आज शांति से काम हो रहा है और मौसम अच्छा है तो सब खुशी खुशी काम कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, हु डजंट लव दिस वेदर, दिस काइंड ऑफ वेदर, एंड बस अच्छा लग रहा है कि बारिश हो जाए, बस ऊपर वाला मेहरबान हो जाए, तो जैसे TRP की बरसात हो रही है हमारे शो पे, वैसे ही आप लोग भी दुआ करते रहिए, मेहनत करते रहिए, एंड सब अच्छा चलते रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।